दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका सहारा में पैसा फंसा हुआ था और आप रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपने जो आवेदन किए थे वो आवेदन विभाग द्वारा एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। सो आगे इस वीडियो में आपको सहारा रिफंड पैसा का स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेटस चेक करने का प्रक्रिया दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे बढ़ने से हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो सहारा रिफंड पैसा का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक इस पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पे आ जाएंगे। अब दोस्तों जो आप आधार नंबर से आवेदन किए थे वही आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करना है और जो मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। ओटीपी प्राप्त करे पे आप जैसे ही दोस्तों तो आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको ओटीपी सत्यापित करे पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओटीपी सत्यापित करे पे आप जैसे ही दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे स्टेटस देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूं, उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दावा दिनांक देखने को मिलेगा कि कितने तारीख को आपने दावा यानी कि आवेदन किए थे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका दावा आवेदन संख्या क्या है वो आवेदन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए आपका सदस्य संख्या देखने को मिलेगा, उनका संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपने डिटेल भरे थे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टेटस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस पेंडिंग है जो हमने चेक किया और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्टेटस में पेंडिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया कि आप सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके बाद आप इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, देखिए वही जानकारी यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया यानी कि ऊपर में हिंदी में दिया गया और नीचे में इंग्लिश में दिया गया। तो इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक का स्टेटस चेक किया जिनका पेंडिंग बताया जा रहा है और एक अभी जस्ट मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक दूसरा स्टेटस चेक किया है जिनमें कि यहाँ पे देख सकते हैं दावा दिनांक तिथि दिया गया, उसका दावा आवेदन संख्या दिया गया और स्टेटस में यहाँ पे देखिए पेंडिंग बताया जा रहा है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेटस में इनका रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो वही जानकारी यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा जिसमें कि यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर में यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग बताया जा रहा है और यहाँ पे देखिए स्टेटस इनका जो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर आपका यहाँ पे एक्सेप्ट दिखाता है तो आपको 101% सहारा में जो भी आपका पैसा है और जो प्रथम चरण में जितने भी रुपए दिया जाएगा वो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से सहारा रिफंड पैसे के लिए आवेदन किए थे तो उनका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।